हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन इंडियन रिवाइविंग ब्यूटी। गाइस, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करने वाली हूँ एक मिनी पैडल एक्सरसाइज इन साइकिलिंग का। ये कैसे वर्क करता है, आपको किसे किस तरह से यूज़ करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि ये सच में बेली फैट थाई फैट को कम करने में मदद करता है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है वो एक्सरसाइजिंग साइकिलिंग जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप चाहें तो इसे अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इसे आप 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के बीच में इसे परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफर चल रहा होगा तो आप इसे 1200 रुपये तक में परचेज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इसे आज सुबह रिसीव किया है, तो चलिए गाइस देखते हैं ये कैसा निकलता है। सो गाइस दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसीव। तो चलिए सबसे पहले इसके क्लिप को रिमूव कर लेते हैं। गाइस यहाँ एक्सरसाइजिंग साइकिलिंग के फोल्डिंग पैडल को लॉक करने के लिए बटन दिया हुआ है। अगर आप इसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो इस तरह से ये फोल्डिंग पैडल लॉक हो जाता है, सो दैट व्हाइल यू डूइंग एक्सरसाइज इट नेवर बी गोइंग टू फोल्ड अगेन। ये इस तरह से ही लॉक हो जाता है, आपको दोनों तरफ इस तरह से करना है। इसमें कुछ इस तरह की साउंड आती है जिससे आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये फोल्डिंग पैडल लॉक हो गया है। गाइस यहाँ पीछे की तरफ एक ये रिंग बना हुआ है, इसे अगर आप इसे दोबारा से फोल्ड करना चाहते हैं तो इसे आपको अपनी तरफ इसे पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा और ये फिर से ये फोल्ड हो जाएगा। गाइस यहाँ साइकिलिंग पैडल की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ स्क्रू दिया हुआ है, ये नट है, इसे आपको इस तरह से इसमें लगाना है और इसे टाइट करना है। जितना इसे आपको टाइट करते जाएंगे उतना ही इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और आपको दोगुनी फोर्स से इसे पैडलिंग करनी पड़ेगी। तो जितना डिज़ायर लेवल आपको चाहिए उतना आप इसको टाइट कर सकते हैं। गाइस यह मिनी साइकिलिंग के अंदर एक आपको डिजिटल मीटर भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितनी बार पैडलिंग करी है, आप पैडलिंग काउंट देख सकते हैं, आपकी कितनी कैलोरी बर्न हुई है आप वो भी देख सकते हैं, आपने कितना टाइम अपनी पैडलिंग करते हुए स्पेंड किया है तो आप वो भी इसके अंदर देख सकते हैं। गाइस इस मीटर के अंदर ये आपको सेल मिल जाता है, जैसे अगर बहुत टाइम बाद अगर ऐसे यूज़ करते रहते हैं तो इसकी मीटर की जो बैटरी होती है वो लो हो जाती है, तो अगर आप उसे चेंज करना है तो आप इस तरह से मीटर निकालिए। इसमें जैसे घड़ी का सेल होता है वैसे एक सेल दिया गया है, आपको इसको लेके जाना दुकान पर, आप दिखाएंगे तो आपको दे देगा और आपको इसमें चेंज करना है, फिर दोबारा से इसे रिप्लेस करके फिक्स कर देना है। गाइस यहाँ इसका मैनुअल भी दिया गया है जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इसकी टेंशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो गाइस इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको एक डाइट प्लान भी मिल जाता है, तो ये डाइट प्लान दिया गया है, इसको अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्क्रीन पर पूरा दिखा दिया है, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ इस पैम्पलेट के पीछे कुछ वेट लॉस टिप्स भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। यहाँ नीचे कुछ हाइट के साथ वेट दिया गया है कि आपको आइडल वेट कितना होना चाहिए, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो गाइस चलिए साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है ताकि आप इसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। गाइस जब आप इस पर साइकिलिंग करते हैं तो आपके सबसे पहले तीन एरिया पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करता है। ये आपके फुट एरिया होता है, आपका नी एरिया जिससे आपके जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहती है, घुटनों में दर्द वगैरह लाइफ टाइम आने वाले टाइम में वो कम हो जाता है, और आपके थाई एरिया, थाई एरिया पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये, जिससे आपका बेली फैट भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। गाइस इससे आप बैठे हुए भी अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हुए, टीवी देखते हुए भी। गाइस वैसे तो बाहर जाके साइकिलिंग करने के, एक्सरसाइज करने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, पर आजकल टाइम की कमी के कारण लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो घर में साइकिलिंग करके वेट रिड्यूस करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इससे आपके पैरों को मजबूती मिलती है, आपके हाथों को जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है, बेली फैट रिड्यूस होता है। ये पैरालाइज पर्सन के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उनके हाथों पैरों में मोबिलिटी आती है, उससे डॉक्टर भी इसे रिकमेंड करते हैं पैरालाइज पर्सन के लिए। तो गाइस इसे अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर परचेज करिएगा, लेकिन ये टाइम लेता है, एकदम से आपको रिजल्ट इसके नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इस पर लगे रहिए, आपके पैरों को काफ़ी अच्छी मजबूती मिलेगी जिससे आप और एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो सकेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।